गोरखपुर संसदीय सीट के उपचुनाव में दाखिल किए गए 17 नामांकन पत्रों में से 7 पर्चे खारिज हो गए हैं। अब कुल 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचे हैं। 23 फरवरी को नाम वापसी की जा सकेगी, उसके बाद की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। बुधवार को पर्चा खारिज होने वालों में समाजवादी पार्टी से नामांकन दाखिल करने वाले राम नगीना साहनी, भारतीय राष्ट्रीय जनहित पार्टी के शैलेश कुमार निर्दल प्रत्याशी, जयप्रकाश गुप्ता, अच्छेलाल अरुण कुमार अशोक, राष्ट्रवादी जनशक्ति पार्टी की पूनम विश्वकर्मा शामिल हैं। वहीं 2 बार पर्चा दाखिल करने वाले सर्वोदय भारत पार्टी के उम्मीदवार गिरीश नारायण पांडे का 1 नामांकन पत्र खारिज हो गया है, लेकिन 1 पर्चा वैध होने के कारण वे चुनाव मैदान में बने रहेंगे। बुधवार को पर्चों की जांच करने के बाद 7 खारिज हुए पर्चों के बाद 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। अगर किसी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया तो इस सीट पर कुल 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 14 मार्च को होगा। हम